से स्टॉक है जिसपे हम काम कर सकते थे। आइशर मोटर देखो सपोर्ट पकड़ के बैठा है, हमने बोला था कि आइशर मोटर का ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट लेवल है। इसका रिजेक्शन लेवल कौन सा है, क्या यही इसका रिजेक्शन लेवल है? यस सर। एग्जैक्टली यही रिजेक्शन लेवल। अब देखते हैं वहां से रिजेक्शन में मिलता है या नहीं मिलता है। देखो बिल्कुल अपने रिजेक्शन लेवल पे बैठा है आइशर मोटर, बिल्कुल रिजेक्शन लेवल। अब यहां से देखना है, अगर ये रिवर्स चलता है तो एक डाउन एक्सपेक्टेड रहेगा इसका। लेकिन अगर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो रिजेक्शन लेवल की कैंडल है, मतलब मार्केट जहां से डाउन आया है, अगर इसके ऊपर निकला, ये भी ध्यान रखना हमेशा, वन साइडेड नहीं सोचना है, तो अगर इसके कैंडल के हाई के ऊपर निकला तो मार्केट एक सपोर्टिव बन जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर इसको नीचे आना है तो यहीं से ही आना पड़ेगा, राइट? ये छोटे छोटे पॉइंट है, बस ये ध्यान रखते हैं, मार्केट को यहीं से ही नीचे आना है तभी मार्केट काम कर सकता है। अदरवाइज अगर यहां से नहीं आएगा तो मार्केट फिर अगर इसके ऊपर निकल गया तो सपोर्टिव बन जाएगा। देख रहे हैं आइटर मोटर क्या कर रहा है, बताएं जरा, कोई भी बता दे क्या करने की तैयारी कर रहा है, ऊपर जाने की जी सर। ट्राई कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये क्रॉस कर रहा है, देखो इसको, देख रहे हो ये पार्ट इसको क्रॉस हो रहा है, यस दिखाई दे रहा है आपको, यस सर। ये क्रॉसिंग, ये देखो ये पार्ट। ये बात का ध्यान रखना कि जब मार्केट किसी सपोर्ट से चलता है ऊपर, तो ये सपोर्ट से चलते हुए ये रिजेक्शन पॉइंट होते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला, अगर ये इसके ऊपर निकल गया, रिजेक्शन पॉइंट के ऊपर निकल गया, तो इसका सपोर्ट बन जाएगा, फिर ये फिर मार्केट अपना मूव पकड़ना शुरू कर देगा। तो मार्केट के पास एक टाइम होगा फिर निकलने के लिए ऊपर, जिससे ऊपर नहीं निकलना चाहिए अगर बाय है। तो आपका प्राइमरी लिमिट क्या है, प्राइमरी लिमिट ये लो है जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और मैक्सिमम लिमिट आपकी ये है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मार्केट अगर यहीं कहीं से रिटर्न कर जाएगा तो मार्केट आराम से अपनी सेलिंग पकड़ सकता है। लेकिन क्योंकि ये सपोर्ट लेवल भी हो सकता है मार्केट का, ये देखिए, अब ये आप चाहो तो किसी इंडिकेटर का यूज कर सकते हो इसके लिए, कोई इशू नहीं है। ये देखो ये लेवल है मार्केट का, ये सपोर्ट लेवल है, या नीचे से जाते हुए रिजेक्शन लेवल था। मार्केट अगर एक भी कैंडल ऊपर क्लोज कर देगा तो मार्केट इसे क्रॉस करने की कोशिश करेगा, राइट? और अगर कर गया क्रॉस तो मार्केट का सपोर्ट बन जाएगा। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इन पॉइंट्स को हमेशा अपने साथ में ध्यान रखना। ये देखो अभी क्या हो रहा है, मार्केट यहां पर ये देखो कैंडल क्लोज कर रहा है ऊपर, ये कैंडल नीचे आ जानी चाहिए, अगर नीचे नहीं आएगी तो आपको इश्यू होगा। वेट करें, देखते हैं मार्केट क्या करता है। ये पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मार्केट कहां, देखिए क्या हो रहा है, यस, क्या करने की कोशिश कर रहा है आइशर मोटर, क्या ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है? ऊपर सर। ये तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऊपर ब्रेक कर जाता है तो ये आराम से ऊपर सपोर्ट बना के निकल जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब वापस आते हैं निफ्टी बैंक पे, निफ्टी बैंक देखो कहां पर बैठा हुआ है अभी मार्केट में। निफ्टी बैंक का अभी बाय नहीं है, मतलब शॉर्ट टर्म में बाय नहीं है, वैसे तो है, राइट? लॉन्ग टर्म में तो बाय है, पर शॉर्ट टर्म में बाय नहीं है। ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है, अगर आपने एक शॉर्ट करा हुआ है तो अगला शॉर्ट कहां से करना चाहिए? अगर आपने यहां से कुछ स्टॉक बाय किए हैं तो अगले स्टॉक आपके यहां कहीं से बाय होने चाहिए, राइट? इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट अभी वेट कर रहा है, वेट कर रहा है कि क्या करना है। मार्केट का डाउन कहां पर आएगा, कब से शुरू होगा, ये देखो पुरानी वाली जो कैंडल है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसके नीचे मार्केट आया नहीं है, अभी तक भी नहीं आया। थोड़ा सा मैं लाइन हटा देता हूं तो आपको दिखेगा यहां पर क्या, अभी क्या केस नहीं हुआ सेलिंग के लिए, हमारा कौन सा पैरामीटर पूरा नहीं हुआ, कोई बताए यहां पर क्या पूरा नहीं हुआ? पुरानी वाली ग्रीन कैंडल के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं है ना, अभी नहीं है सर, अभी है ही इनसाइड नहीं, यस। और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, ये स्पैन बी का फ्लैट। फ्लैट। तो अभी आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आपका स्पैन बी को नीचे आना है तो कब आएगा, जब ये आपका नीचे आएगा तभी तो आएगा नीचे, राइट ना? ये अभी नीचे नहीं आया तो अभी हम थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं कि मार्केट यहां पर क्या करेगा। मार्केट का रिजेक्शन लेवल कौन सा है, ये ध्यान रखना, मार्केट का रिजेक्शन लेवल ये वाला है और या फिर बेस लाइन है, दो रिजेक्शन लेवल हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट बेस लाइन के ऊपर चला जाएगा तो हमारे लिए थोड़ा अलार्मिंग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उस समय चार नंबर की बाय बनाना शुरू करेगा, नहीं, राइट? तो वो हमें ये ध्यान रखना है कि कहां तक हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और कहां पर हमें निकल जाना है, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है।
ठीक है, अपने ट्रेड के अंदर कि कब मेरे को किस पॉइंट पर प्रोटेक्टिव होना है और किस पॉइंट पर मेरे को निकल जाना है। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, चूंकि ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा बेस लाइन, तो बेस लाइन तक रह सकता हूं, बस बेस लाइन के ऊपर मैं रह ही नहीं सकता। अगर बेस लाइन के ऊपर जाएगा तो मेरे को अपने ट्रेड को काटना ही पड़ेगा। इसके नीचे नीचे अगर मार्केट इस कन्वर्जन लाइन के नीचे नीचे इसे ब्रेक कर देता है तो सेलिंग आ जाएगी। सिंपल, ये आपका कंसेप्ट है, क्योंकि आपका मार्केट बियरिश होना जरूरी है। ये आपका चीका स्पैन दूर है, ये आपका क्लाउड भी दूर है, अभी आपके पास है मार्केट में सेलिंग के चांसेस। तो मार्केट सेलिंग कहां पर होगा, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होनी ही चाहिए। अब होती है नहीं होती वो देखते हैं, लेकिन मार्केट एक डाउन में आ सकता है ये हमें पता है। तो हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट में यहां पर एक डाउन आ जाए, थोड़ा सा वेट करते हैं। मार्केट अगर उसके लो के नीचे आता है या पुरानी कैंडल के लो के नीचे आएगा तो अपनी सेलिंग बनाएगा। यहां पर कोई ना कोई कैंडल क्लोज होनी जरूरी है। यहां पर अभी कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, या तो ये कैंडल नीचे जाएगी या अगली कैंडल नीचे जाएगी, दोनों में से एक तो नीचे जाना ही है, क्योंकि मार्केट में चीका उसपे दूर है तो सेलिंग एक होनी है। आइसर मोटर कहां पहुंच गया इसको देखें, आइसर मोटर का रिजेक्शन पॉइंट कौन सा बोला है हमने, जरा बताएं। यही है, देखो वेट करें, ये पॉइंट जो होता है ना, ये पॉइंट जो होता है जब मार्केट अपने गैप को कवर करता है, ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है। यहां पर ये जो यहां से यहां तक का जो पॉइंट है ना, ये वाला मतलब ये जो कैंडल की लेंथ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको देखो, मार्केट बड़े आराम से ऊपर गया, ऊपर निकल भी सकता था, और उसके बाद मार्केट एक डाउन की तरफ के ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी आया नहीं है, अभी सपोर्ट पर बैठा है मार्केट। देखो अब डाउन आने के लिए क्या इसके नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए या नहीं, अगर डाउन ही आना है तो एक कैंडल नीचे क्लोज होना, अगली कैंडल नीचे बने, तब मार्केट में हम बोलेंगे कि सपोर्ट से डाउन आया मार्केट, राइट है, इस बात का ध्यान रखना है। अभी देखो ये आपका बैंक निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी को आना है नीचे, ऊपर नहीं जाना, बैंक निफ्टी को आना है नीचे, तो नीचे आएगा बैंक निफ्टी। कहां तक आएगा, यहां तक कम से कम मिनिमम, और इससे नीचे चलना शुरू करेगा, तो बैंक निफ्टी एक मूव लेगा। वेट करते हैं कि बैंक निफ्टी क्या करने वाला है, थोड़ा सा ये क्योंकि बहुत दूर है, पास में भी नहीं है, तो आप अभी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट का एक डाउन मूवमेंट होना है। अब देखो ये आ गया मार्केट नीचे, अभी चल रहा है। अब मार्केट को अगर आप देखते हैं तो मार्केट अभी थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा क्या मतलब पिवोट तक तो आ ही जाएगा, तो मार्केट यहां से अभी और डाउन लेगा, और कहां तक ले सकता है, अगर इसके नीचे चलेगा तो मार्केट की सेलिंग शुरू होगी। मार्केट का रूट चेक करो, मार्केट ऊपर गया, उसने यहां पर ट्राई किया एक सपोर्ट बनाने की, नहीं बना पाया, और मार्केट उस सपोर्ट के नीचे आ गया। कैंडल कहां पर क्लोज करी उसने, ये जो पुरानी वाली कैंडल का लो है उसके नीचे आपका अभी क्लोजिंग दे रखी है, तो मार्केट अभी इसके नीचे सेलिंग शुरू कर देगा, बड़ी सेलिंग। अभी क्यों दूर ऊपर नहीं जा सकता मार्केट, क्योंकि ये दूर है बहुत, तो अभी ये जाएगा नहीं मार्केट, अभी नीचे और गिर जाएगा, तो अभी थोड़ा सा हम और वेट कर सकते हैं मार्केट के लिए, थोड़ा सा और वेट करते हैं कि कहां से रिजेक्शन लेके नीचे चलेगा। नीचे के लिए आप वेट करेंगे, मार्केट का ऊपर के लिए वेट मैं नहीं करूंगा। छोटा सा पॉइंट है, अगर पकड़ के चलेंगे तो मार्केट आपको आराम से पैसा दे देगा। मार्केट तो पैसा देने के लिए बैठा है, राइट, मार्केट तो पैसा देने के लिए बैठा है कि तुम बोलो और मैं पैसा दे दूंगा आपको, लेकिन हम ही नहीं समझते बस पैसा देना। ये देखो आपका मार्केट का ये सपोर्ट लेवल है, और या फिर साइडवेज मार्केट है, और मार्केट उसके नीचे आ रखा है, तो मार्केट को अब नीचे चलना चाहिए, इसके नीचे एक सेलिंग है, बस वेट करना है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो मार्केट आपको एक डाउन देना शुरू कर देगा, वेट एंड वॉच, राइट है। ये पता करना है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, उसी पे सारी मारामारी होती है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अगर आपको ये पता लग जाए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, तो आप रोज ट्रेड ना कर लो उस पे, क्यों ना प्रीत जी, सही है कि नहीं बताओ, क्यों रामदयाल जी, बिल्कुल सही है सर। आपको पहले ही पता लग जाए कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, क्यों सागर जी, समीर जी, संजीव जी, तो आप ऐसे ही ट्रेड कर लो। इसी के लिए सारी दुनिया मारामारी करती है कि भाई मार्केट का मूवमेंट कहां पर है, उसी के हिसाब से तो ट्रेड लेंगे, राइट है। तो वही पता करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो वो आपको मिल जाएगा, मना नहीं करेगा। अभी मार्केट की डायरेक्शन कहां पर है,
मार्केट नीचे खुला है, मार्केट ऊपर गया रेजिस्टेंस लेने के लिए, और मार्केट अब यहां पर बैठा है, धीरे धीरे करके इसके लो के नीचे आएगा। अगर लो के नीचे आया तो यहां पर सेलिंग है। मार्केट अभी कहां तक ऊपर जा सकता है, ये फिर से रेजिस्टेंस है मार्केट का, इससे नीचे नीचे मार्केट को वापस आ जाना चाहिए। तो अभी वेट करते हैं क्या होता है। आइशर मोटर देख रहे थे, आइशर मोटर क्या हुआ, अभी हमने एक पॉइंट लिया था कि मार्केट को इसके नीचे क्लोजिंग करनी चाहिए। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझ लेना, काम का पॉइंट है। मार्केट में इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए थी, राइट है। जैसे ये डाउन में आया तो देखो इस लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोज नहीं किया। अगर ये नीचे क्लोज कर लेता, नई कैंडल नीचे खोलता, तो मेरा एक सेलिंग शुरू हो जाती। अभी यहां पर सेलिंग नहीं है, मार्केट ने आईसर मोटर में फिर से एक बाय पकड़ लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आईसर मोटर में फिर से मार्केट ने एक बाय पकड़ लिया है। अब यहां से मार्केट आराम से ऊपर जाने की तैयारी करेगा, मगर अब यहां पर केस क्या होना चाहिए। अब केस हुआ कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक क्लोजिंग जानी चाहिए या नहीं। यस, क्या उस रेजिस्टेंस के ऊपर एक क्लोजिंग जानी चाहिए। जैसे हम इस क्लोजिंग के, इस वाली कैंडल के नीचे एक रेड कैंडल चाह रहे थे, ऐसे ही इसके ऊपर मेरे को एक ग्रीन कैंडल भी चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल जाएगी तो आपका एक बाय एक्सपेक्टेड होगा, तब आप एक बाय के लिए जा सकते हैं। अभी नहीं है, अभी थोड़ा सा रुक जाएंगे और वेट करेंगे कि मार्केट करता क्या है। अभी गया नहीं है, इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखो जरा, वन आवर में क्या कर रहा है, वन आवर में, वन डे में भी देखो इसको, वन डे में क्या कर रहा है। डे में अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मार्केट क्या करने वाला है या क्या कर रहा है आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या हुआ, मार्केट ये सपोर्ट लेके गया है कि नहीं, एनवेव का, यही एनवेव का सपोर्ट मार्केट लेके गया है बड़े टाइम फ्रेम में। तो ये सपोर्ट है मार्केट के पास जो मार्केट ने पकड़ा है, और अगर मैं एक घंटे में देखता हूं एग्जैक्ट, वो सपोर्ट मार्केट पकड़ के चला है और अभी इसकी बाय ही है, राइट है, इसकी बाय है। इसकी बाय को आप अभी रख सकते हो थोड़े टाइम के लिए, और ये बाय आपको मूव देके चली जाएगी। अगर मैं यहां से 5 मिनट में जाता हूं तो देखो मार्केट अभी शुरू हो रहा है बाय के लिए, राइट, अभी मार्केट बाय के लिए चल रहा है। अगर यहां से चलेगा, चूंकि मार्केट वन डे के सपोर्ट से वापस चला है, तो मार्केट एक मूव ले सकता है बड़ा। 4700 का स्टॉक है तो कम से कम 5500 पॉइंट ऊपर चल ही सकता है। अगर यहां से चलना शुरू होगा तो 50 या 100 पॉइंट मार्केट आराम से ऊपर जा सकता है। तो वेट करते हैं मार्केट यहां पर करेगा क्या। एक सपोर्ट लिया है मार्केट ने और सपोर्ट के साथ में ऊपर चला, हो सकता है एक रिट्रेस करके मार्केट वापस ऊपर जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट चला जाए। ये देखिए मार्केट अभी रुका है, और अब की बार इसने क्लोजिंग कहां पर की, क्या पुरानी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर दी इसने, देखें क्या इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर दी, नहीं, देख रहे हैं अभी भी वहां पर क्लोजिंग है। मेरे को इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, यहां पर अभी आई नहीं है क्लोजिंग, लेकिन अब इसका सपोर्ट लेवल कौन सा बन जाएगा, इसका सपोर्ट लेवल चेक करना। इसका सपोर्ट लेवल ये लो की कैंडल का लो बनेगा, तो मार्केट लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट है, लो के नीचे जाए बगैर इसे वापस जाना चाहिए, यहां से इसके नीचे नहीं आना चाहिए लो के नीचे, और इसी यहीं पर ही ऊपर निकल जाना चाहिए, तब मार्केट एक सपोर्ट माना जाएगा, तब एक सपोर्ट पकड़ा हुआ माना जाएगा। अभी वेट करते हैं, देखो क्या कर रहा है मार्केट, वेट एंड वॉच। मार्केट के छोटे छोटे मूव है, अगर उनको पकड़ लेंगे तो मार्केट अपने को कुछ पैसा देके चला जाएगा। वेट करना होता है बस, जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ में, और मार्केट को चलने दो, मार्केट को समझ के ट्रेड करो। अगर मैं देखता हूं तो मार्केट ऊपर कहां तक जाएगा, और अगर नीचे आएगा तो मैं सेलिंग कहां से लूंगा। ये मार्केट की लास्ट कैंडल है, इस लास्ट कैंडल के नीचे अगर मार्केट कोई भी क्लोज कर देगा तो मार्केट का फिर एक रिट्रेसमेंट या डाउन शुरू हो जाएगा यहां से। लेकिन अगर जब तक मार्केट इस लो के ऊपर है तो मार्केट सपोर्टिव ही है, और अगर इसके ऊपर क्लोज करता है कोई भी कैंडल तो मार्केट एक्स्ट्रा सपोर्टिव हुआ, फिर मार्केट आराम से ऊपर चल सकता है, राइट है। छोटे छोटे पॉइंट है जिनके साथ में आराम से आप चल सकते हो। देखो ये जबकि मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन आईसर मोटर आराम से ऊपर जा रहा है, तो देखो पहला टारगेट इसका ये बना है, ये रहा इसका पहला टारगेट, यहां से पकड़ेंगे तो 4778 और 4784, 4784 पे मार्केट जो है वो अभी निकल जाएगा। देखें वेट करते हैं मार्केट। देखो कुछ स्टॉक मैंने चला रखे हैं इसके, आईसर मोटर के कुछ स्टॉक ले भी रखे हैं, ये चल रहा है, चलने देते हैं इसको अभी, और अभी ये आपका टारगेट लेगा, ये वाला टारगेट लेगा, अभी थोड़ी देर में अचीव करेगा, राइट।
वेट करते हैं, वेट करें मार्केट को, मार्केट क्या करता है। बीच में भी आपको जो स्टॉक अपने हटा सकते हैं, और आप चाहो तो अभी ऊपर तक जाने के लिए पूरे दिन के लिए भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे करते हो। ये बात ध्यान रखना कि सपोर्ट कौन सा पकड़ा है मार्केट ने, 1 डे का पकड़ा है, 1 वीक का पकड़ा है, या 1 मंथ का पकड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 मिनट का कोई सपोर्ट पकड़ा उसकी वैलिडिटी उतनी नहीं है, लेकिन अगर 1 डे के सपोर्ट पे आया उसकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा है, अगर 1 मंथ का सपोर्ट पकड़ा वो और ज्यादा वैलिड है। तो ये कौन से टाइम फ्रेम का सपोर्ट पकड़ा है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि एक सपोर्ट कौन सा है उसको नोट करके रखना। ये देखो अभी कहां चल रहा है, मार्केट अभी ऊपर नहीं गया, इसके ऊपर चलेगा, ये हिट करेगा और शायद एक तेजी से ऊपर भी निकल जाए। यहां पर आप किसी इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हो। अगर आप बोलते हो नहीं मैं क्लाउड का यूज करता हूं, तो क्लाउड में क्या हुआ, चले यहां पर देखें जरा, ये क्लाउड है, क्लाउड में क्या हो रहा है इस समय बताएं। यस, जो लोग भी क्लाउड करते हैं वो क्या कर रहे हैं क्लाउड में, जल्दी से बताएं क्या हो रहा है। क्रॉसओवर की तैयारी हो रही है। यस, क्रॉसओवर की तैयारी हो रही है। यस सर, राइट है। अभी आप चाहो तो ऊपर का टारगेट रख सकते हो, या देखो अगर आपको लगता है ये मार्केट यहां तक आया है तो यहां पर भी आप अपने स्टॉक्स को रख सकते हो, यहां पर भी अपना टारगेट लगा के रख सकते हो। आपका टारगेट क्या होना चाहिए वैसे रूल के मुताबिक, टारगेट ये आपका क्लाउड है ना टारगेट। यस सर, राइट। या तो एन वेव का हाई रखो, ये भी ओके है, यहां पर मार्केट पहुंच जाएगा, और या फिर यहां पर आपका ये रख सकते हो, यहां भी मार्केट पहुंच जाएगा। लेकिन मार्केट क्या करेगा, एक बात का ध्यान रखना, ग्रीन क्लाउड से मुश्किल निकलेगा ना, तो मार्केट रेड क्लाउड से निकलने की कोशिश करेगा, इसका मतलब मार्केट यहां कहीं रुकेगा, ये पॉसिबल हो सकता है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है, वेट करते हैं कि मार्केट देखो क्या करता है, थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि मार्केट को बस समझना है। मार्केट को आपने समझ लिया आपको पैसा मिल जाएगा, देर थोड़ा करेगा मार्केट, जरा सा वेट करेंगे मार्केट आपको पैसा आपका दे जाएगा, कहीं मना नहीं करेगा। देखो अभी ट्रेड हमारा चल रहा है और कहां पहुंच गया ये, अच्छा ये पहुंचा है, चलो बैंक निफ्टी का एक लॉट हमारा निकल गया है, कुछ पैसे हमें दे भी रहा है, राइट, कुछ पैसे हमें दे भी रहा है, और अभी आराम से वेट कर रहे हैं। इसका टारगेट है ये वाला, तो ये हिट करेगा अभी टारगेट, तो हमें इसमें से भी पैसा बता देगा कितना हमें मिल रहा है, राइट। ये हिट करेगा ऊपर तो एक लॉट हमारा, सॉरी 20 क्वांटिटी हमारी आइसर मोटर के निकल जाएंगी। अच्छा, क्या मेरे को हटने की जरूरत है अभी आइसर मोटर में, ये बताओ। नहीं, कब मेरे को हटना चाहिए इससे, ये बताओ कब मेरे को हटना चाहिए। सर लो के नीचे आएगा तब। लो के नीचे आएगा, क्या क्रॉसओवर हो गया? नहीं सर, अभी नहीं हुआ, अभी बाय का क्रॉसओवर भी नहीं हुआ। क्या आपका चीका स्पैन अभी कन्वर्जन लाइन को क्रॉस कर रही है? नहीं सर, अभी नहीं कर रही है। वो भी नहीं कर रही है, इसका मतलब अभी हमारा प्रॉपर बाय नहीं आया ना, जिसको हम बाय बोलेंगे, वो अभी नहीं आया है। अभी मेरे को क्या करना है, मार्केट बेस लाइन के ऊपर गया है और यहां पर मार्केट देखो क्रॉसओवर करने की तैयारी में अभी करा नहीं है क्रॉसओवर। चीका स्पैन अभी आपके पास कैंडल को भी क्रॉस नहीं किया, जबकि हमें मिनिमम कहां पर चाहिए होती है, यस, मिनिमम कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करती हुई। तो मार्केट में अभी बाय में टाइम हो सकता है, इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट ले सकता है, यही तो मतलब हुआ। जी सर, ये रिट्रेसमेंट अभी ले सकता है। तो हम किसी भी स्टॉक को सर्च करने के लिए आप ऐसे सर्च कर सकते हो, कौन सा स्टॉक आपका बाय में जा रहा है, इसके लिए स्किनर भी यूज कर सकते हो, इसके लिए आप चाहो तो स्किनर भी बना सकते हो। देखो ये हिट कर जाएगा अभी टारगेट, टारगेट ले रहा होगा, देखो यहां से दिखाता हूं आपको, राइट, ये देखो ये अभी चल रहा होगा और टारगेट अभी लेके जाएगा। हमने पुट ले रखा है इसका, इसका तो पुट ले रखा है, अभी मार्केट नीचे जाएगा, इसको हटा देते हैं, काम तो कोई है नहीं, राइट, ये हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं, मैंने कोई ऑर्डर तो नहीं लगाया, नहीं है। अभी क्या होगा, ये आपके पास देखो ये 26 क्वांटिटी हमारे पास है और अभी चला रहे हैं, यहां पर हिट करेगा ये तो आपको आपका पैसा दे देगा, या किसी और स्टॉक में भी चल सकते हैं, जरूरी नहीं है इसके साथ ही काम करना, ठीक है। इसको भी देखते हैं, जरा सा ऊपर आएगा तो हम इसको भी हटा देंगे, क्योंकि नहीं रखना हमें, हम अपने बाकी किसी स्टॉक में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इसको पहले चलने देते हैं, कितने पैसे दे रहे हैं। हाँ जी सर, बिजी स्लैब को चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, इसका मेरा कोई काम नहीं है, तो कुछ पैसे हमने कमाई लिए, राइट। चलिए डिवी स्लैब पे चलते हैं, देखते हैं डिवी स्लैब क्या कर रहा है। ये देखो अभी सेलिंग में है, अभी बाइंग नहीं करनी, ठीक है। डिवी स्लैब को अगर मैं देखता हूं तो डिवी स्लैब कहां पर है, डिवी स्लैब बाय में है, इसे बाय में ही रखना, अभी सेलिंग मत करना,
राइट, अगर नीचे आ जाए तो ऐड कर लेना, मगर सेलिंग मत करना, डिवी स्लैब को बाय में रखें। एक अच्छा बाय आपको इसके हाथ में आएगा आपके, और बड़ा बाय आपको देखे जाएगा। देखो मैंने बोला था डिवी स्लैब बाय कर लो, अभी आराम से बाय करके रखें। अभी इसके ऊपर ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहां से कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना, और उस बुकिंग जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मार्केट अगर नीचे आ जाए सपोर्ट लेने के लिए, फिर से बाय कर लेना। राइट है, ये काम करना, क्योंकि मार्केट फिर अगला मूव लेगा, बड़ा मूव, तो मार्केट में अभी टाइम है, तो अभी आराम से बैठे और इस जगह पर रेजिस्टेंस लेगा मार्केट। ये कितना है 4492, तो 4492 पे अभी 92 पॉइंट ऊपर है, तो 92 पॉइंट ऊपर आप अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर उससे ऊपर निकल गया तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर नहीं निकला तो आप अपना एक प्रॉफिट वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसका रीजन भी है क्योंकि मार्केट का लेवल कौन सा आएगा वहां पर, इस लेवल को भी चेक कर लो कि कौन से लेवल पर मार्केट वहां पर बैठा होगा। यहां पर देख लेते हैं कौन से लेवल पर मार्केट बैठा होगा, क्योंकि वहां से रिटर्न के चांसेस मार्केट के रह सकते हैं। देखे कौन से लेवल पर बैठा है मार्केट, परफेक्ट लेवल है। अगर मार्केट को ट्रेंड रिवर्सल करना है, अगर मार्केट को ट्रेंड रिवर्सल करना है तो इससे अच्छी कोई जगह नहीं है। 61 के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, और अगर मार्केट को रिट्रेस करना है तो भी यही जगह है, यहीं से मार्केट रिट्रेस करेगा। तो अगर मैं 1 आवर में देखता हूं तो मार्केट एग्जैक्टली यहीं से रिट्रेस करेगा, लेकिन इसका मतलब सेलिंग नहीं है, इस बात का समझना। इसका मतलब सेलिंग नहीं है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर ऊपर चला जाएगा। आप ऐसी जगह पे चाहो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हो, आधा हाफ प्रॉफिट बुक कर लो, चलने दो उसको। राइट है, अब ऐसे स्टॉक जो कि कम से कम 1 आवर में, एक चलो एक एक स्किनर बनाते हैं, नहीं एक स्किनर बनाते हैं कि मार्केट में किन स्टॉक पे मैं बाय कर सकता हूं, ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो कि मार्केट में रेड क्लाउड में, ये बेस लाइन है, इधर कन्वर्जन लाइन है, इसके ऊपर घूम रहे हैं मगर क्लाउड के नीचे है। राइट है, उन क्या उनमें हम बाय कर सकते हैं, तो उनके लिए एक स्किनर बना लेते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं, और मैंने क्या बोला, आपके पास जो क्लोज है वो कहां पर होना चाहिए, या कन्वर्जन लाइन, इशिमोकु कन्वर्जन लाइन, इशिमोकु कन्वर्जन लाइन इज लेस देन क्लाउड बॉटम। राइट, इशिमोकु क्लाउड बॉटम, राइट, ये लिया, इशिमोकु बेस लाइन इज लेस देन क्लाउड बॉटम। राइट, नेक्स्ट आपके पास आ गया इशिमोकु कन्वर्जन लाइन इज ग्रेटर देन इशिमोकु बेस लाइन, ये भी आ गया। राइट, मेरी कैंडल कहां पर होनी चाहिए इसको भी चेक कर लेते हैं। राइट, आपके पास जो क्लोज है वो कहां पर होना चाहिए, क्लोज लेस देन होना चाहिए इशिमोकु क्लाउड के बॉटम से, इशिमोकु क्लाउड बॉटम से नीचे होना चाहिए, और किससे ऊपर होना चाहिए, मेरा जो डेली क्लोज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, इशिमोकु कन्वर्जन लाइन से। ये आपका पूरा बन गया है, और इसको सबको कहां पर डाल देते हैं, 1 आवर में डाल देते हैं उठा के, जिससे घंटे भर में हमें इंट्राडे के लिए कोई स्टॉक निकल आए। अब देखते हैं कौन सा स्टॉक हमारा इंट्राडे के लिए तैयार हो रहा है, इसके साथ बाकी कंडीशन भी डाल सकते हैं। जैसे बाकी कंडीशन क्या डाल सकते हैं, कोई बताए जरा, क्या क्या डाल सकते हैं बाकी कंडीशन, क्या इसको हम बड़े टाइम फ्रेम की कन्वर्जन लाइन के ऊपर डाल सकते हैं, कि बड़े टाइम फ्रेम में कन्वर्जन लाइन के ऊपर हो? यस सर, वो अच्छा हो जाएगा सर, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो उससे हमें और अच्छे स्टॉक्स मिल पाएंगे, तो उसको भी डाल देते। ये सारे मैंने डेली कर दिया, कहीं रह गया हो तो आप मेरे को बता देना। भाई वैसे तो मैंने सारे आर्ली कर दिया है, ये सारे आर्ली हो गए हैं और हो गए हैं। अभी एक काम और डालते हैं कि मार्केट में, चूंकि मैं 1 आवर की बात कर रहा हूं, तो मैंने बोला जो क्लोज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, इशिमोकु कन्वर्जन लाइन, कौन से टाइम फ्रेम की, जिसे बोलेंगे डे की, डे की कन्वर्जन लाइन से ऊपर होना चाहिए, चाहे तो मंथ की कन्वर्जन लाइन से भी ऊपर आप बोल सकते हो। राइट, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप चलते हैं और देखते हैं यहां पर 50 में हमें कोई स्टॉक मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। यहां पर हमें कोई स्टॉक नहीं मिल रहा है, तो अब जरा हम चलते हैं फ्यूचर पे, देखते हैं फ्यूचर में कोई स्टॉक मिल रहा है। अभी फ्यूचर में भी कोई स्टॉक हमें नहीं मिल रहा है, पहले देख लेते हैं हमारी कहीं जो स्किनर बनाए इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये जरूर चेक कर लें। 1 आवर का इशिमोकु कन्वर्जन लाइन इज लेस देन 1 आवर इशिमोकु क्लाउड बॉटम,
बेस लाइन भी क्लाउड बॉटम से है, ठीक है, 1 आर का इशिमोकु कन्वर्जन लाइन, 1 आर के इशिमोकु बेस लाइन से ऊपर है, राइट आई बिल्कुल, ये भी 1 आर का क्लोज लेस देन 1 आर इशिमोकु क्लाउड बॉटम से नीचे होना चाहिए, मिल नहीं रहा होगा कोई स्टॉक अभी, ठीक है, 1 आर का क्लोज ग्रेटर देन 1 आर इशिमोकु कन्वर्जन लाइन, ठीक है, ये भी नहीं मिल रहा होगा अभी, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि मेरा जो क्लोज है वो आपका इशिमोकु कन्वर्जन लाइन से ऊपर ना मिल रहा हो, राइट। इसको हम एक काम करते हैं, छोटा सा एक काम कर देते हैं, इसको हम छोटा सा चेंज करते हैं, लास्ट वाले स्टेटमेंट को क्या ले रहा हूं मैं, डेली का क्लोज ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, SMA 20, राइट, यहां पर मेरे को मिल जाने चाहिए। आप देखते हैं यहां पर कि कोई मेरे को स्टॉक यहां पर मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है, और इसको निफ्टी 50 में लगा के देख लेते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्क्रीनर खराब है, ये समझिए, अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपके स्टॉक वहां पर नहीं आ रहे होंगे, राइट है, इस चीज को आप यहां पर चेक कर सकते हो, इसको बड़ा टाइम फ्रेम करके देखो, यहां पर बड़ा टाइम फ्रेम में क्या आपको दे रहा है, यहां पर डेली में लगा के देखो, स्किनर की आपको पहचान होनी चाहिए राइट है या रॉन्ग है, आप उसे पकड़ो स्किनर को और इसको कर दे वीकली, ये आना चाहिए वीकली, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टॉक होंगे जो कि बाय में आ रहे होंगे मगर दिखा नहीं रहा होगा, वो क्यों नहीं दिखा रहा होगा, क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम में बाय में नहीं होंगे, छोटे टाइम फ्रेम में केवल बाय में होंगे, इसलिए नहीं दिखा रहा होगा। ये देखिए डेली कर दिया, इसको भी डेली कर दे, बड़े टाइम फ्रेम में आपको अगर कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर मिलेंगे तो एक बाय हो पाएगा वहां पर, ये सारे डेली हो गए, इधर से डेली कर दिए, सारे सारे डेली हो गए, और इसको कर दिया वीकली, यहां पर ढूंढते हैं यहां पर मेरे को कोई स्टॉक मिल रहे है? ये देखो आपको रिलायंस लिमिटेड आ रहा है, रिलायंस लिमिटेड को चेक करते हैं, रिलायंस लिमिटेड क्या कर रहा है, रिलायंस और बात कर रहे हैं इसकी वनडे में, और हम इसको चेक कर रहे हैं क्लाउड बेस पर, तो क्या हमारा मार्केट हमें एक सही सिस्टम दे रहा है, इस समय अगर देखोगे तो आपके पास क्लाउड के नीचे है, कन्वर्जन लाइन के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है और इनका क्रॉसओवर हो चुका है और ये आपका ग्रीन होने की तैयारी में है, तो ये आप, ये आपके पास कहां पर है ये भी चेक करें, ये कहां पर है, वेट करें थोड़ा सा और नीचे हल्का सा मार्केट आ सकता है, ठीक है, जब कभी भी ना एक, हाँ अभी अभी एक बात को और ध्यान रखना कि एक पार्ट छोटा सा ध्यान रखना वो काम में आएगा आपका, जब भी मार्केट नीचे गिरता है ना, देखो ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, और जब मार्केट नीचे गिरता है, ये भी खास पॉइंट है, तो मार्केट जब नीचे आता है और यहां से चलता है ऊपर, यहां से चलता है ऊपर, तो मार्केट को रिजेक्शन मिलता है यहां पर, एग्जैक्टली यहां पर एक रिजेक्शन मिलता है यहां से, लेकिन हमें एक बात खास ध्यान देनी है, मार्केट नीचे तो आ जाए, नीचे तो आ जाए मगर अपने 50% के नीचे ना जाए, राइट, अपने 50% के कहीं पर भी मार्केट उठेगा, अगर 50% से मार्केट उठ गया ये 100% इसे ब्रेक कर जाएगा, राइट है, तो ये आपका सिमेट्री है, आप चाहो तो इस सिमेट्री को ऐसे जोड़ लो, ट्रेंड लाइन से जोड़ लो, चाहे तो इसे ऐसे सिमेट्री से जोड़ लो, जैसे मर्जी जोड़ लो, लेकिन आपका मार्केट जब कभी भी एक डाउन लेगा, ऊपर जाएगा, यहां से रिजेक्शन लेता है तो नीचे आए 50% के नीचे नहीं आना चाहिए, और अगर ऊपर निकलेगा तो एक बाय आपको निकाल के दे देगा, वहां पर आप अपनी एक बाय कर पाएंगे, तो यहां पर चेक करें मार्केट को, अगर मैं 1 आर में जाता हूं तो 1 आर में क्या बाय आ रही है, देखिए 1 आर में भी मार्केट रुका हुआ है, क्या बोल रहा है मार्केट, थोड़ा नीचे और आ सकता है, हल्का सा नीचे और आ सकता है, ये मार्केट बोल रहा है, तो आप चाहो तो ऐसे स्कीनर बना सकते हो, इसको देखो अगर मैं फ्यूचर में लगाऊं, मेरे को फ्यूचर में भी कुछ बताएगा, ये एक दो स्टॉक फ्यूचर में भी दे सकता है, नहीं दे रही है अभी, राइट, आप इसे कैश में चेक कर सकते हो, कैश में कोई अच्छा स्टॉक मिले उसको चेक कर लो, अभी चूंकि मार्केट बाय में है तो अभी नहीं मिलेगा आपको, ये देखो कैश में आपको कौन कौन से मिल रहे हैं, कैश में अगर मैं लगा रहा हूं तो मेरे को ये कई सारे और छोटे मोटे मिल रहे हैं, आप चाहो ट्रेड करना वैसे अच्छा नहीं है इनमें, लेकिन आप चाहो तो इसे वैसे ही रख सकते हो, मतलब चेकिंग के लिए यूज कर सकते हो, राइट है, तो ये तरीका है काम करने का। निफ्टी बैंक में देखिए क्या हुआ, निफ्टी बैंक अभी क्या कर रहा है आप बताएं, क्या बाय में आ गया, देखें अभी दिक्कत क्या हो रही है दोनों में, निफ्टी और निफ्टी बैंक में, अगर निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी देखो अपने अभी पिवोट के ऊपर सपोर्ट लिए हुए बैठा है, अभी भी सपोर्ट है, और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी प्रॉपर रिजेक्शन की तैयारी में बैठा हुआ है, देख रहे हैं दोनों बिल्कुल अलग अलग मूड में चल रहे हैं, कहीं पर अभी ना तो इसकी बाइंग बढ़ रही है और ना इसकी बाइंग बढ़ रही है, कहीं पर अभी बाइंग पोर्शन नहीं है,
सेलिंग पोर्शन है, लेकिन सेलिंग पोर्शन अभी थोड़ा सा लेट आएगा जब ये कम से कम इसके नीचे निकले, तब आपका कोई यहां पर सेलिंग पोर्शन बनेगा। अगर मैं 5 मिनट में देखता हूं तो मार्केट देखो कहां पर है 5 मिनट में, कब अपनी सेल पकड़ेंगे दोनों पे दोनों। अगर आप दोनों को देख पा रहे हो तो दोनों क्या बोल रहे हैं, देखो ये अभी सपोर्ट पकड़ के बैठा हुआ है, ये ऊपर गया 50% और ऊपर, कौन सी वेव बना रही है ये बताएं, वेव कौन सी है, निफ्टी ऊपर 50% ये ऊपर ब्रेकआउट का वेट कर रहा है, हालांकि है सेलिंग में ही, लेकिन ये क्या करेगा, हो सकता है यहां तक जाके और इस जगह तक जाके रिटर्न कर जाए। तो अभी देखना है हमें क्या करेगा, बैंक निफ्टी नीचे लाने की तैयारी में इसे, तो बैंक निफ्टी डाउन में आ सकता है, बैंक निफ्टी कहां तक डाउन में आ सकता है इसको भी देख ले, बैंक निफ्टी कम से कम यहां तक आ सकता है राइट। और ये 48500 तक है, मार्केट यहां तक नीचे आ सकता है आराम से, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो मार्केट अगर नीचे आएगा तो मार्केट आपको एक मूव देगा, बड़ा मूव दे सकता है, लेकिन हम मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में बाय में ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, ओवरऑल मार्केट बाय में रहेगा तो हम उसको सेलिंग में नहीं डालेंगे राइट। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट को जबरदस्ती सेल नहीं करना। देन चलिए मैं क्लास को भी रोकता हूं, अभी आराम से करिए, अभी मार्केट सेलिंग में एकदम से बड़े सेल में नहीं आएगा, मार्केट छोटे सेल में ही रहेगा। सर डन ऑप्शन चलिए, क्लास हाँ 10:30 को डन है। 10:30 ऑप्शन क्लास है आपकी। जी सर।